ये देखो यार, ये है मीटिंग सुबह सुबह की। हम तो खा के बाहर आ गए हैं। इतना एक्सपेक्ट किया था ना, उसका 10% भी नहीं निकला। ये देखो यार, ये हमने ले लिया है मिक्स वेज उत्तपम। आ गया हमारे सुबह सुबह बहुत भूख लग रही है, मतलब भूख में तो हर चीज अच्छी लगती है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा होगा क्योंकि नाम भी बहुत सुना है। तो ट्राई करके देखते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा वड़े के साथ, रोहित स्टार्ट करेगा मिक्स वेज उत्तपम के साथ। सुबह सुबह भूख लग रही है और मैं बहुत मन से आया हूँ यार सचिन। मैंने बहुत वीडियो देखी, हर बंदे ने यही बोला कि वाह क्या चीज है। खा के देखते हैं और बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। ये मॉर्निंग का एम्बियंस है, यू कैन कम हेयर इन टर्म्स ऑफ द ब्रेकफास्ट। बाकी थोड़ी सी नारियल की चटनी के साथ ये लिया सांबर, अच्छी तरीके से डिप कर लेता हूँ पहले। मसाला पैराडाइज का चीयर्स। एक बाइट डाल देता हूँ पहले। सॉफ्ट है क्या? वड़े तो सॉफ्ट है। मैंने दूसरी बाइट ही इसलिए ली, मुझे लगा शायद पहली बाइट में समझ ना आया हो तो दूसरी बाइट लेके ट्राई करा, बट स्टिल आई डिडंट लाइक इट। क्या बात कर रहा है तो आपको भूख में चीजें अच्छी लगती है बट मेरे को ये भूख में भी अच्छा नहीं लगा। हम मजाक तो नहीं कर रहा, तो सीरियसली बता रहा। सीरियसली सोसो है, इसके बारे में बहुत सुना है। सांभर में मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। और इस भीड़ का क्या मतलब है? ये देखो यार, दिस इज गुड बी बिकॉज आसपास कोई और शॉप ही नहीं है तो यही चल रहा है। तो इसको तो अगर रेट करना हो तो 7/10, बहुत ही एवरेज है। वड़े इतने बेकार नहीं है बट सांभर इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, तो एक बार बाकी है। रोहित तू उत्तपम ट्राई करो, तू बताओ उत्तपम कैसा। ये रहा उत्तपम, देखने में तो रोहित बहुत अच्छा लग रहा है। लग तो फ्रेश रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सामने बना रहे हैं। काजू भी है भाई, काजू भी है, बट ये काजू किसी काम का नहीं होगा, टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो। ये देख यार सचिन, है तो फ्रेश। ओ ये देखो बढ़िया, मुंह से पानी निकल रहा है, इतनी तेज भूख लग रही है। ये उठाया, ये डाला सांभर में। मसाला पैराडाइज का उत्तपम वाला चेयर। भाई क्या बनाते हैं ये समझ नहीं आया मेरे को। लिटरली इसके बारे में जितना सुना था ना सचिन, मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, बिल्कुल मजा नहीं आया यार सचिन। ये भी तुझे एवरेज लगा? एवरेज आई थिंक, तो मैं इसको रेट करूंगा 6/10 क्योंकि यार तू, और मुझे 6 भी पता है क्यों दे रहा हूँ मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि 6 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो उत्तपम है ना वो फ्रेश है। ये देखो ये तो उत्तपम है ना, ये फ्रेश है और इसमें कोई कंजूसी नहीं है वेजिटेबल्स की। लेकिन सांबर अगर आप देखो सचिन, सांबर दिखा यार, यार आपने कभी इतनी बेरंग सांबर खाई है? मतलब मेरे को शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि रंगत नहीं है लेकिन ये उबली हुई दाल है, मतलब मजा ही नहीं आया। और एक बार ये भी देख लेते हैं जो सचिन ने ट्राई करा था ना, एक बार तू ट्राई करके देख क्या पता तेरे को अच्छा लगे मेरे को अच्छा ना लगा। एक तो रोहित मेनली साउथ इंडियन फूड में अगर सांभर अच्छा ना हो ना तो यू वोंट लाइक एनीथिंग यार, मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब एक दाल आपने उबाल दी है, उसके अंदर आपने डोसा डाल दिया है, इमली वो चल रहा है, आसपास कोई शॉप नहीं है इसलिए चल रहा है, बाकी तो मेरे को तो नहीं लगा यार। जो सारे लोग बोलते हैं ना यहाँ आओ, मतलब इट्स लाइक ब्रेकफास्ट पॉइंट एंड ऑल, सॉरी यार मत आना। अगर आओगे ना तो प्लीज, मैं चाहता हूँ आप एक बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो नीचे जाके कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ये वर्थ है ही नहीं। मतलब इट्स लाइक कुछ है ही नहीं आसपास, तो कंपटीशन किसी चीज का नहीं है तो चलना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, पूरा दिन खराब हो गया। ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं होता ना मजा नहीं आता, और खासतौर से हम जैसे लोगों के लिए जिनका काम ही पहली और बताना है। पहली चीज अगर अच्छी मिल जाए ना तो उसके बाद पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। जितना एक्सपेक्ट किया था ना उसका 10% भी नहीं निकला।
ये क्या खिला दिया, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि हर कोई जितनी आगे वीडियो देखी है ना मैंने, यहाँ आओ यार मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और हम सोचते थे यार अच्छा होगा क्योंकि एक तो प्लेस अच्छी है, दूसरा बनाने वाले साउथ इंडियन है। यही होता है रोहित, अगर फूड ब्लॉग में अगर तुम हर चीज को अच्छा बताओगे ना तो लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। हम ऑनेस्टली बताएंगे, यहाँ पे काफी लोगों के मतलब प्रेफरेंस थी वीडियोस देख के जो हमें लगा था, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। और हमारे कई फ्रेंड्स ने हमें बोला भी था कि यार यहाँ आओ, यहाँ पे खाना बढ़िया है, मतलब मजा आ जाएगा। यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बिल्कुल बेकार खाना। और उन लोगों ने भी ट्राई नहीं करा था रोहित, उन लोगों ने भी ट्राई नहीं करा था, उन्होंने वीडियो देख के बताया था। उन लोगों को हम पहले ही बता देंगे हमारे कि भाई साहब यहाँ आओ, आ जाओ इट्स ओके, बट मजा नहीं है। वो एक्सपेक्टेशन लेके मत आना जो पीछे इतनी सारी भीड़ है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों है। या तो फिर इसलिए क्योंकि आसपास एक भी शॉप नहीं है खाने की, दूर दूर तक, यहाँ 1.5 किलोमीटर कुछ नहीं है, इधर की साइड जनपद पड़ जाता है, और पीछे भी 1.5 किलोमीटर कुछ नहीं है, हमारे पीछे एक ही ठिकाना है खाने का जो पीछे है। मसाला पैराडाइज आपको ये रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको आना है तो अपनी मर्जी से आके ट्रिस्ट ले। और हम चाहते हैं कि एक बार आके हमें बताओ कि जो इन्होंने हाइप क्रिएट कर रखी है, इन्होंने तो क्या कर रखी है, खैर मतलब मजा नहीं आया यार, ओवर हाइप्ड है, मजा नहीं। तब तक बताते रहेंगे आपको सच्चे रिव्यूज और बताएंगे खाना कहाँ का अच्छा है और नहीं, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा यार, साफ बताएंगे आपको। ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा आपको मसाला पैराडाइज पे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना नहीं हो तो, और वीडियो लाइक कर देना पसंद आई हो तो, और यहाँ आओ तो कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी राय ठीक थी या नहीं। ईट थोड़ी ज्यादा है तो यहाँ पे आपको ठीक से बना के दिखा नहीं पाएंगे, यहाँ पे आपको खाना जरूर दिखाएंगे। बहुत टाइम से रोहित और मैं कोशिश कर रहे थे यहाँ का खाना आपको दिखाने की, बट इतनी भीड़ होती थी हमेशा वेटिंग की वजह से हम छोड़ के चले आते थे। आज फाइनली आए हैं आप लोगों के लिए, तो रोहित क्या दिखाने वाले हैं आज? दिखाएंगे हम आपको, ये देखो समझ तो हुए हो गए आप, सर्वनम भवन कनॉट प्लेस में, और इसकी बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं, मतलब अक्रॉस द कंट्रीज, कनाडा हो गया, यूके हो गया आपको, और यूके, यूएस, कनाडा, जहां जा रहे हो आप वर्ल्ड में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, नेम द कंट्री, वहां पे आपको सर्वनम भवन मिलेगा। बहुत रश रहता है यार, मतलब सुबह 10 बजे 11 बजे कभी आओ आपको वेटिंग मिलेगी, संडे को तो शायद चांस ही नहीं है यार, जबकि जो सीटिंग है 104 लोगों की है कोविड के बाद, उसके बाद भी बाहर वेटिंग चल रही है। तो बताते हैं आपको कि सर्वनम भवन का इंटरनेशनल फूड जो जा चुका है, इंडियन खाना कैसा, तब मिलते हैं आपको खाने के। सचिन क्या ले लिया है तूने? ये है मिनी इडली, घी वाली मिनी इडली है, देखो ऊपर ये इतनी मोटी, रोहित ये देखो पूरा घी देसी है, पूरा देसी घी है, इतनी मोटी जो है, घी की अलग ही खुशबू आ रही है। मेरे को भी आ रही है, तेरे सामने बैठा हूँ मैं, लेकिन मेरे को भी आ रही है। उन्होंने और बहुत छोटी छोटी है, 14 मेरी इडली बोली थी, बट आई थिंक 14 से ज्यादा लगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 नहीं भाई साहब पूरी काउंट करके 14 की 14 इडली कम नहीं मिलेगी आपको। ये देखो बाइट साइज इडली है, 14 इडली मिलेंगी 160 या 170 रुपए की, जितना भी आपको प्राइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ट्राई करते हो। मसाला पैराडाइज का साउथ इंडियन वाला, चीयर्स। एकदम अमेजिंग भाई, मजा आ रहा है। इडली इतनी सॉफ्ट है ना, मैं आपको बताने लगता हूँ, उसके बाद सांभर में घी मिक्स हो रखा है, इतना अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी एक नारियल चटनी के साथ लूंगा। ये ऐसा लग रहा है बचपन में छोटा छोटा जो खाना बनाते रहते थे ना बच्चे, ये तो मैं वीडियो चलते रहते भी खत्म कर सकता हूँ, ऐसी है। बढ़िया, अमेजिंग। जितना वेट कराना, फिल्टर कॉफी नहीं आई ब्रो, फिल्टर कॉफी आ रही है। जितना वेट कराना रोहित, पूरा वेट बहुत। ये देखो यार, और ये मंगाया है हमने मसाला डोसा, ये देखो ये है मसाला डोसा, अब ट्राई करते हैं। तो हमें सोच रहा मसाला, मैंने कहा यहाँ कुछ है ही नहीं। ओह यार बड़ा क्रिस्पी लग रहा है सचिन, यार यहाँ ना एक चीज बहुत डिफरेंट लग रही है सचिन मुझे,
वो है जो इनके देसी घी का स्वाद खुशबू आ रही है ना, अलग से ही खुशबू आ रही है बैठ के, अलग ही आ रही है। ओहो ये देखो यार, ये सचिन ये डाली मैंने गरम गरम से भिगो लिया। हाँ मसाला पैराडाइज का वन सेकेंड चेयर, नीचे जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। सचिन अब पता चल रहा है यहाँ इतनी वेटिंग क्यों रहती है, कोरोना टाइम में भी मॉर्निंग के टाइम पे वीक डेज में आ जाओ आपको हमेशा वेटिंग मिली है हमें। आई थिंक 7th-8th अटेम्प्ट है मेरा। बिल्कुल, और उसके बाद मतलब एक चीज जरूरत, रेट इतने रीजनेबल है और सब कुछ है, वर्थ द वेट। और ये देखिए यार, ये वाली चीज दिल्ली में मेरे को मिली नहीं थी, केले के पत्ते वाली। एक बाइट और लेता हूँ जल्दी से चटनी के साथ। और डोसा ना बड़ा मैसी करके खाएंगे आज। ये आ गई है फिल्टर कॉफी। ओहो ये देखो, इसी का तो वेट था। मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ तो फिल्टर कॉफी पीते हैं। ओहो थोड़ी ही गर्म है। इसमें चीनी भी डालनी होती है क्या, जो तभी देते हैं मिलाने के लिए। मैं सोच रहा इतनी रोहित कह रहा भाई साहब खाने के बाद मूड खराब कर दिया। ये तभी देते हैं भाई साहब, अगर कटोरी दे तो मैं समझना पीने के लिए दी है, ये मिलाने के लिए दी जाती है। क्रीमी टेक्सचर आ रहा है पीने के बाद ना, एक क्रीम टाइप टेक्सचर छोड़ रहा है मुंह के अंदर, अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं दूसरे फूड की तरफ। तब तक नीचे जाओ जल्दी से लाइक और कमेंट कर दो यार, नए हो ना एक बार सब्सक्राइब कर दो, अपने भाइयों को सपोर्ट दिखाओ क्योंकि हमें भी बहुत एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में, आप तक लाने में। जल्दी से आओ सब्सक्राइब करो और हमें बताओ आपको कौन सा फूड अच्छा लगा। जल्दी से नीचे। ये देखो यार ये है वेटिंग सुबह सुबह की, हम तो खा के बाहर आ गए हैं।